जो यहाँ बैठे हुए हैं, सबसे पहले मैं आप लोग सबको प्रणाम करके धन्यवाद देना चाहती हूँ कि 3.5 घंटे से ज्यादा भी आप लोग यहाँ बैठे और आप लोग सबने हमारे साथ साथ देखे। इस मीटिंग के अंदर सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे आज उस बात की है कि इतने सारे अटल जी की तस्वीरें देखने को मुझे मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि वो पुराना जमाना फिर से आ गया। वो अटल जी जो पिता तुल्य थे हमारे लिए, और वो अटल जी जिन्होंने हमारे देश के प्रदेश के स्वाभिमान को जिंदा रखने का काम किया पोखरण से, और पोखरण वो जगह है। अरे आप लोग प्लीज शांति बैठ, आप हट जाओ, ऐसा मत करो। पोखरण वो जगह है जिस जगह से दुनिया के अंदर हमारे देश का नाम हुआ। इसलिए आज इस भक्ति को नमन करके मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूं। कांग्रेस के यहां 7 साल निकल गए, और इतना मैं कहूंगी, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का है ये, उजाला करो घरों में न पहुंचे। ये चीज को अपने को ध्यान रखने की जरूरत है कि 7 साल निकल गए, और जिसकी का सपना हमको दिखाते रहे इस कांग्रेस वाले गरीब के घर में, उसको आज दिन तक पहुंचा नहीं पाए। पोखरण ये है वो जगह जो भारत की शक्ति का प्रतीक है, और मैं अपने दिनों को याद रखती हूँ कि जब अटल जी ने मुझे विदेश मंत्री बनाया था, और विदेश मंत्री के नाते मैं जहां जहां गई थी, और जब ये पोखरण का बड़ा ब्लास्ट हुआ था तो जवाब अटल जी की तरफ से हमें भी देना पड़ा था, और उस दिन से लेके आज तक उसका नाता बना याद है मुझे। इसलिए जब भी पोखरण आती हूँ मुझे ध्यान आता है उस दिन का, जिस दिन ये काम हुआ, और जिस दिन मैं मिस्र देश में थी और वहां मुझे इस चीज का जवाब देना पड़ा। मेरा दिल तो गर्व से फूला न समाया, और मुझे आप लोग सबकी और हमारे प्रदेश के ऊपर, हमारे देश के ऊपर बहुत ही गर्व है। अटल जी ने हमारे देश का संदेश जो है वो पूरी दुनिया को इस पोखरण से दिया। कभी अभी सोचना चाहिए कि पोखरण का एक्चुअल क्या है। ये पोखरण है वो पोखरण जिसको अटल जी ने चुन के और दुनिया को संदेश इस पोखरण के यहां से दिया। कितनी बड़ी बात है, और आज उनकी याद अपन सब लोग बैठ कर रहे हैं। अटल जी ने अपने काल के अंदर ऊर्जा दूर संचार में भारत की तरक्की की। याद है कभी किसी को कि ऊर्जा के अंदर जो जाल फैलाया वो अटल जी ने थी, और जब अटल जी की सरकार आई उस समय 1000 में 3 थे दूर संचार के, माने लोगों के पास फोन था तो 1000 में 3 होते थे, और जब उनकी सरकार गई तो 100 में 3। इतना बड़ा काम वो करके गया, आज घर घर ढानी ढानी आपके बिजली भले ही ना हो परंतु फोन तो जरूर है, और ये अटल जी की देन। और इसी तरीके से गांव को तरक्की से जोड़ने का काम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, याद है किसी को? आजकल ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करते हैं, इनको कुछ मालूम ही नहीं है जिस चीज से और कहां से उसको शुरू किया था, कहां गांव गांव के अंदर हमने उसको फैलाने का काम किया था, वो अटल जी का काम था। उसके लिए सब गांव के लोग से लेके शहर के लोग तक उनको सबको ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश को नहीं देश को बांधा था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के साथ, कोई उसको छू पाया है? आज भी बड़े बड़े सड़कें आपको दिखाई देते हैं तो आपको याद होता है कि ये अटल जी की सड़क है। हर एक चीज को जब हम देखते हैं तो वो अटल जी को ध्यान रखते हैं। ये है वो अटल जी जिसने हमारे देश के अंदर क्रांति लाई, किसानों को जोड़ने का काम किया। अगर नदियों को जोड़ दिया होता कांग्रेस ने, क्योंकि वो काम हमने शुरू किया था, अगर कांग्रेस ने वो काम पूरा कर दिया होता तो आज किसान ही कितना सफल हो जाता, कितना खुश हो जाता, जगह जगह पर उसको पानी मिल जाता, इस तरीके से दर दर उसको भटकने की जरूरत ही नहीं होती। हम संचार क्रांति लाए तो कांग्रेस ने 2G के अंदर पैसा बनाया, देख लेख लो सरकार क्या करती है। हमने ऊर्जा क्षेत्र के अंदर क्रांति के कदम उठाए तो कांग्रेस ने कितना बड़ा कोयला का घोटाला किया, सब लोगों को ध्यान है। देश को बनाने में कितना बड़ा हाथ अटल जी का है, परंतु सबसे बड़ी चीज तो अपने को ये याद रखने की जरूरत है कि उस देश को समझने की जरूरत होती है बनाने से पहले, और उन्होंने वो समझ के कारगिल का जब काम हुआ था तो आपको सबको याद है मुझे कहा, अरे भैया आप लोग शांत हो जाओ ना, मुझे उस दिन मेरे को कहा, क्योंकि मैं भी मंत्री थी उस समय, मुझे बुला के उन्होंने ये कहा कि कारगिल के शहीदों को
सम्मान हम पूरे प्रदेश नहीं देश की ओर से हमको देना है। और हम आपको कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर ले जाओ, पुलिस के लोग ले जाओ और सहसम्मान उनके घर पे पहुंचो। तब तक आप जानते हो कि कभी भी कोई शहीद हो जाता था तो उसका टैग घर पे पहुंचता था। पहली दफा उसकी अंत्येष्टि उसके घर पे हुई, पहली दफा पूरे गांव के गांव उमड़ के उस शहीद के लिए खड़े हो गए, और पहली दफा एक मंत्री मुझे राजस्थान के अंदर भेजा कि हर घर के अंदर जाओ, और मैंने हर घर में छान के रख दिया ये पूरे इलाके के अंदर जाके जहां शहीद की अंत्येष्टि थी उस अंत्येष्टि के अंदर अटल जी की ओर से हम सब आए और वहां खड़े रहे, और हमारे प्रधानमंत्री की आवाज, हमारे देश की आवाज उस अंत्येष्टि के साथ हमारी भावना को भी जोड़ा। ये बहुत बड़ा काम था, ये कभी पहले नहीं हुआ है। देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले, और आप लोग सबको मालूम है कि अटल जी की करीबन 40-45 साल की सेवा थी, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक इन्होंने जगह जगह पे, और मैं समझती हूँ कि ऐसी कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं था जहां अटल जी नहीं गए थे। तो समझो उस व्यक्ति को जिसने पूरे क्षेत्र को छान दिया था, वो नस नस जानते थे जब वो प्रधानमंत्री 40 साल बाद बने तो सब पूरा देश उनका परिवार था, एक एक से वो जुड़ा हुआ था, ऐसे व्यक्ति थे अटल जी। आज कांग्रेस का नेतृत्व देश को कहां, मैं समझती हूँ कैसा नेतृत्व है आप लोग सब जानते हो, और होगा भी कैसे, जो लोग जा नहीं पाए हैं, जो लोग जानते नहीं है कि देश की जनता कैसे काम करती है, कैसे सोचती है, वो आगे चल के करेगी भी क्या। आज मैं नए राजस्थान का नारा लेके आप लोगों को, अपने प्रदेश को और अपने देश को इसके साथ साथ शक्तिशाली बनाने का काम हम मिलके करेंगे, ये सोच के आपके बीच में आई हूं। नए राजस्थान की टीम क्या करेगी, रोजगार का इंतजाम, उद्योग की तरक्की, उसके अवसर जगह जगह पे अपने को ले जाना है, अपने आधारभूत ढांचे का विकास। आप देख रहे हो ना, बिजली है ना, पानी है ना, सड़क है ना, रोजगार है ना, डॉक्टर है ना, टीचर है, तो 65 साल बाद क्या है, क्या है हमारे पास कि हम लोग कुछ कह सके। सड़क आप देख रहे हो, जहां जहां मैं जा रही हूं उसकी हालत क्या है, इन सब चीजों को ठीक करना, वो टीम राजस्थान एक नया राजस्थान बनाने का सपना लेके आगे बढ़ेगी, वो नया सपना आप लोग सजोगे, ये मेरा विश्वास और विचार है। आप देखेंगे कि कांग्रेस की किसी भी योजना को, वो कहते तो हैं अपनी बहुत बारी योजनाओं के बारे में बात करते हैं, परंतु कौन सी योजना ऐसी है जो जमीन के ऊपर आ गई। अटल जी का युवा मोर्चा को संदेश मैं चाहती हूँ कि इन सब चीजों के द्वारा हो, और मैं आखिर में आप लोगों को इतना ही कहना चाहूंगी कि संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, ये आप जानते हो ना, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का, वो काम सब किए चलो। ये आप लोग करोगे तो मैं समझती हूँ कि हमारा प्रदेश ही नहीं, हमारा देश भी बदल जाएगा, क्योंकि प्रदेश बदलता है तो देश ही बदलता है। इसको बदलने की हिम्मत है, है? है? युवा मोर्चा आगे चलेगा, और युवा मोर्चा के हाथ पे हम ये बहुत बड़ा काम दे रहे हैं, इस प्रदेश को बदलने का काम वो युवा मोर्चा आगे दौड़ के करेगी, यह विश्वास के साथ आज आप लोग सबको यहाँ देख के और आके ये सब बांधे हुए देख के ऐसा ही लगता है कि सबने कफन बांध के तय कर लिया कि भाई हम लोगों को तो इस राजस्थान को एक नया राजस्थान, एक नया सपना बना के छोड़ना काम है। और ऐसा लगता है कि आप लोगों ने अटल जी की इस तस्वीर को लेके यह संकल्प आज ये लिया है कि एक जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको रास्ता दिखाया था, उस रास्ते के ऊपर चलने की ताकत और शक्ति हमारे युवा मोर्चा के अंदर है, और वो जरूर जाके हमारे प्रदेश को रास्ता दिखाएगी। इतना ही कह के आप लोग सबको बहुत सारा मैं प्यार देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये शक्ति और ऊर्जा आप लोगों के अंदर है। जिस दिन आप तय कर लोगे, उस दिन सुराज संकल्प यात्रा के साथ साथ आप अपने इस नए टीम राजस्थान के साथ राजस्थान को बदलने का काम करेंगे, यह विश्वास के साथ बहुत सारा प्यार के साथ आगे वाली मीटिंग में चलते हैं, नहीं तो वहां भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।